देखिए गाइस, हमारे घर के पेड़ के अनार मीठे हो गए हैं, लाल हो गए हैं। मेरी बेटी तोड़ के दिखा रही है, देखो, दिखाओ अंशी। मैं बावला बैठाऊ ये बावला बेटा है मेरा। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम उठ चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 8, क्योंकि हमने अभी थोड़ा काम भी किया है, उसके बाद में ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। यह है मेरे बच्चे और मेरी फैमिली कहीं बाहर गई हुई है, तो इसलिए ये रो रहे हैं। हेलो फैमिली, और अब मैं आज का बच्चों का हॉलीडे है, तो इसलिए मैं कुछ बना रही हूँ उनके लिए, तो इसलिए आप सबको मैं दिखाना चाहती हूँ। सपनों को बस्ते में रख कर चले हम, उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम, स्कूल 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 चले हम, पापा अगर मैं अफसर बन गई तो आपको मुझ पर नाज होगा ना? हम जो बनना सके थे कभी, काटी जैसी भी होज। पिज़्ज़ा चीज है और मोज़रेला चीज है और टॉपिंग्स है, तो इसी से मैं अपने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी और डोसा भी। तो आप मेरा प्रोसेस देख सकते हैं। अब मैं इस पनीर को छोटा छोटा टुकड़े में कट करूंगी, ताकि मैं पिज़्ज़े में भी डाल दूं और डोसे में भी डाल दूं। डोसे का बैटर तैयार हो गया हमारा बनाने के लिए, अब मैं पिज़्ज़े की तैयारी करती हूँ। तो ये बच्चों के लिए हेल्दी पिज़्ज़ा रोटी से बनाऊंगा। अब बारी है सबसे फेवरेट चीज़ की। ये मैं घर पर कैसे देसी तरीके से बनाती हूँ अपना पिज़्ज़ा। ये है मेरा देसी तरीका, और ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, और देखिए हमारा पिज़्ज़ा। ये है डोसे का बैटर, बच्चों को डोसा बना के देना है। थोड़ा सा पनीर मैंने रखा है ताकि बच्चे के डोसे में लगा दूँ, थोड़ी सी प्याज भी रखी है, फिर डोसे में लगा के दे दूँ। आज इनका हॉलीडे, कुछ यूनिक करना है, इसलिए मैं ये सब बना रही हूँ। और वैसे भी मैं बनाती रहती हूँ, बाकी आज अभी ये स्कूल जाने लगे हैं, तो आज इसका फर्स्ट संडे है, इसलिए मैं ये सब बना रही हूँ। देखिए घर में पिज़्ज़ा बन के तैयार है, इसमें बस थोड़ी सी। तो घर पर पिज़्ज़ा बन के हो गया है तैयार, बच्चों के लिए एक पिज़्ज़ा ये बन गया है। अब मैं बच्चों को डाल कर दूँगी, इसके बाद बनाते हैं डोसा। बच्चे हो गए खुश, कैसा बना पिज़्ज़ा? अच्छा, टेस्टी है। हाँ। खा के बताओ। वेरी टेस्टी। आप बताओ। मेरे को वेरी टेस्टी लगा और मैं बैठ कर खा रहा हूँ। तो अब करते हैं डोसे की तैयारी। तेल मैंने चढ़ा दिया है ताकि वो चिपके ना थोड़ा सा, और तेल को अच्छे से फैला लें।
थोड़ा गर्म होने तक इसको ऐसे ही रखें, फिर इसमें बैटर डाल दें। बैटर को थोड़ा सा अच्छे से घुमा लें, फैट लें, ताकि बैटर अच्छे से हो जाए। मेरे को बैटर और पतला करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो अभी मैं करके। तो हमारा दूसरा पिज्ज़ा भी बन के तैयार हो गया है। इसमें अभी चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो डालेंगे और ये हमारा डोसा जो कि बन रहा है अब, क्योंकि मैंने ये फुल स्पीड में कर दिया था और मैंने एकदम से डाल दिया तो यहाँ पे छीट छीट सी हो गई है। बाकी ये बनेगा तब आपको दिखाती हूँ मैं। और हमारा डोसा बनके तैयार है, आपको मैं हटा के दिखाती हूँ। देखो कुछ इस तरीके का है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ।